नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टारगेट तालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में। मैं गौरव नरेंजन उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और साथ ही साथ पढ़ाई लिखाई भी आपकी बेहतर और बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। दिवाली की छुट्टी है लेकिन छुट्टी में भी संस्थान आपके लिए कार्य कर रहा है। संस्थान लगातार आपको प्रैक्टिस सेशन करा रहा है क्योंकि आगे आने वाला समय बड़ा महत्वपूर्ण समय है और उस महत्वपूर्ण समय में आपकी कई सारी परीक्षाएं आयोजित होनी है, जैसे टेट, सुपर टेट और इसके साथ साथ अन्य लेखपाल की परीक्षाएं भी। तो थंबनेल पर जरूर टेट, सुपर टेट, सी टेट लिखकर आएगा या महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिखकर आएगा, महत्वपूर्ण सेशन लिखकर आएगा। आपको यह सोचकर पढ़ना है कि भूगोल पढ़ रहे हैं हम, पर्यावरण पढ़ रहे हैं, जहां जहां पर ये टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे, जिन जिन एग्जामों में भूगोल एवं पर्यावरण आपसे पूछा जाएगा, वहां वहां पर यहां से आपको डायरेक्ट प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, आइएगा बिना किसी देरी के मैं प्रारंभ करता हूं और आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न लेकर आता हूं। इस पहले प्रश्न के लिए सोच समझ कर अच्छे से आंसर कीजिएगा। पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। अगर हम वन्यजीव अभयारण्यों की बात करते हैं तो भारत में वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या है 543। भारत में वन्यजीव अभयारण्य कितने हैं? तो 543 वन्यजीव अभयारण्य है, जिसमें से सबसे बड़ा जो वन्यजीव अभयारण्य है वो कच्छ डेजर्ट है, गुजरात में है। कहां पर है? तो भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कच्छ डेजर्ट है और कच्छ डेजर्ट जो है वो कहां पर है? ये आपका गुजरात में है। उसके बाद कह रहे हैं भारत पिट्टी एवं गूज इजलैंड। तो ये पिट्टी एवं गूज इजलैंड जो है इसको याद रखिएगा, ये भारत का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। भारत का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य, भारत का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य अगर आपसे पूछा जाए तो भारत का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है पिट्टी एवं गूज इजलैंड। हस्तनापुर की बात करें तो ये मेरठ में है और यह उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य आपका हस्तनापुर है और पटना वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर है ऑप्शन सी, हेमिस एक राष्ट्रीय पार्क है जम्मू कश्मीर का। चलेगा प्रश्न नंबर एक के बाद आइएगा आपकी स्क्रीन पर है प्रश्न नंबर दो। कह रहे हैं निम्न नदियों को उनके उद्गम केंद्र से सुमेलित कीजिएगा। एक साइड नदियां लिखी हैं और दूसरी साइड उनका उद्गम केंद्र लिखा है कि कहां से कौन सी नदी निकलती है। तो कावेरी नदी की बात करते हैं तो कावेरी नदी जो है वो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, केरल में है। दामोदर नदी की बात करते हैं छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र से निकलती है। दामोदर नदी को भारत की रूर नदी के नाम से जानते हैं, कोयला की प्राप्ति होती है। चंबल मध्य प्रदेश के महू जिले से निकलती है और झेलम नदी जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है। तो यहां पर सही आंसर क्या होना चाहिए? पहले के लिए चौथा, पहले के लिए चौथा, बी के लिए पहला। तो सही आंसर यहां पर हमें जो दिख रहा है वो ऑप्शन सी दिख रहा है। सही आंसर क्या दिख रहा है? तो यहां पर सही आंसर है ऑप्शन सी। इस ऑप्शन सी को यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलेगा प्रश्न नंबर दो के बाद आपकी स्क्रीन पर है प्रश्न नंबर चार और प्रश्न नंबर चार के लिए आंसर कीजिएगा। प्रश्न नंबर चार कह रहा है गंगा नदी की स्वच्छता एवं प्रदूषण मुक्त हेतु किस वर्ष गंगा कार्य योजना, इसी गंगा कार्य योजना को इंग्लिश में नाम दिया जाता है GAP, गंगा एक्शन प्लान, गंगा कार्य योजना या गंगा एक्शन प्लान नाम दिया जाता है। तो गंगा नदी की स्वच्छता एवं प्रदूषण मुक्त हेतु किस वर्ष गंगा कार्य योजना या गंगा एक्शन प्लान चलाया गया था, कार्यक्रम में प्रारंभ किया गया था 1984, 1985, 86 या 1992। तो राजीव गांधी सरकार के द्वारा वर्ष 1985 में, वर्ष 1985 में गंगा कार्य योजना प्रारंभ की गई और इसी को वर्ष 2004 में नरेंद्र दामोदर दास मोदी सरकार ने इसी का नाम बदल के नमामि गंगे कर दिया। क्या कर दिया? इसी का नाम बदल के नमामि गंगे कर दिया। अगर ऑप्शन में 85 नहीं मिलेगा तो 86 मिल जाएगा क्योंकि 1985-1986 में ही यह कार्य योजना प्रारंभ की गई थी। तो 1985 और 1986, अगर 85 ऑप्शन में नहीं मिलता है तो 86 आप सही कर सकते हैं। तो इस प्रश्न के लिए उपरोक्त प्रश्न में सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1985। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर तीन के बाद आपकी स्क्रीन पर है प्रश्न नंबर चार। निम्न देशों में कौन ऐसा है जो दक्षिण का सदस्य नहीं है? दक्षिण की बात करें तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। और अगर इसकी बात की जाती है दक्षिण की,
तो इसके अंतर्गत जो सदस्यों की संख्या वो 8 है। और कई बार मैं आपको इसको पढ़ाया हूं कि दक्षिस के सदस्यों को याद रखने की ट्रिक है MBBSPAIN। यहां पर M का मतलब क्या है, यहां पर M का मतलब है मालदीव, B का मतलब है भूटान, B का मतलब है बांग्लादेश, S का मतलब है श्रीलंका, P का मतलब है पाकिस्तान, A का मतलब है अफगानिस्तान, I का मतलब है इंडिया और N का मतलब है नेपाल। N का मतलब है नेपाल और नेपाल की राजधानी काठमांडू में ही दक्षिस यानी सार्क का क्या है, मुख्यालय है। तो बताइएगा इनमें से कौन सा देश है जो दक्षिस का सदस्य नहीं है, तो सही आंसर है ऑप्शन सी म्यांमार देश। म्यांमार को ही बर्मा के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 के बाद प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा कह रहा है मरुस्थलीकरण एवं अनावृष्टि की रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। ठीक ना, मरुस्थलीकरण एवं अनावृष्टि की रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, इस प्रश्न का आपसे आंसर पूछा जा रहा है। चलिए जल्दी से इस प्रश्न के लिए आंसर करेंगे। आंसर तो 17 जून है ना, 17 जून को मनाया जाता है अनावृष्टि एवं मरुस्थलीकरण एवं अनावृष्टि की रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो सही आंसर है यहां पर 17 जून, 17 जून को आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 5 के बाद आपकी स्क्रीन पर है प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 6 के लिए आंसर कीजिएगा। सऊदी अरब पश्चिमी एशिया का एक देश है, सऊदी अरब, और आपसे पूछा जा रहा है सऊदी अरब की राजधानी है दुबई, कतर, रियाद या ओमान, बताइएगा। प्रश्न नंबर 6 के लिए आंसर कीजिएगा, सऊदी अरब देश की राजधानी है दुबई, कतर, रियाद या ओमान। तो जल्दी से बताइएगा, ओमान तो एक देश है, दुबई, कतर या रियाद, तो कतर भी एक देश है, कतर है ना, तो सही आंसर है रियाद। सही आंसर क्या है, रियाद है। तो सऊदी अरब की जो सऊदी अरेबिया की जो राजधानी है, सऊदी अरब की राजधानी है रियाद है, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 के बाद आइएगा आपकी स्क्रीन पर है प्रश्न नंबर 7, आंसर दीजिएगा। खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस सामान्यतः किन चट्टानों से प्राप्त होता है, खनिज तेल और खनिज तेल के साथ साथ प्राकृतिक गैस की जो प्राप्ति होती है वह किन चट्टानों से होती है, रूपांतरित, कायांतरित, आग्नेय या औषधीय। तो चाहे तो खनिज तेल हो, खनिज तेल के अंतर्गत पेट्रोलियम, डीजल और केरोसिन, या फिर प्राकृतिक गैस हो, इन सब की प्राप्ति जो होती है वो औषधीय चट्टानों से होती है। औषधीय चट्टानों को ही तलछटी चट्टानों के नाम से जाना जाता है, औषधीय चट्टानों को ही तलछटी चट्टानों के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न नंबर 7 के लिए सही आंसर क्या होगा, प्रश्न नंबर 7 के लिए सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, औषधि, औषधि को ही तलछटी चट्टानों के नाम से जाना जाता है, परतें भी पाई जाती इन चट्टानों में। पर्यावरणीय विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई, पर्यावरण विभाग की स्थापना भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष की गई थी, चलिए जल्दी से आंसर बताइएगा अगर जानते हो तो। पर्यावरणीय विभाग की स्थापना भारत सरकार के द्वारा कब की गई, पर्यावरणीय विभाग की स्थापना भारत सरकार के द्वारा वर्ष 1980 में की गई, 1972 में भारत सरकार के द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, और 1980 में क्या किया गया, पर्यावरणीय विभाग की स्थापना की गई भारत देश में। तो सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 के लिए ऑप्शन डी, 8 के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 8 के बाद आपकी स्क्रीन पर है प्रश्न नंबर 9, सुमेलित करना है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, एक साइड कुछ द्वीपों के नाम दिए गए हैं और दूसरे साइड उनसे संबंधित राज्य दिया गया है, एक साइड द्वीप दिए गए हैं दूसरे साइड उनसे संबंधित राज्य। न्यू मुरे द्वीप कह रहा है पश्चिम बंगाल में है, विलर द्वीप कह रहा है उड़ीसा में है, वेलिंगटन द्वीप कर्नाटक में है और एलिफेंटा द्वीप कह रहा है महाराष्ट्र में है। तो बताइएगा निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है, अगर यहां पर बात करते हैं कि निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है तो यहां पर वेलिंगटन द्वीप, वेलिंगटन द्वीप कनाडा की बेवनाद झील में स्थित है और इसी वेलिंगटन द्वीप पर भारत की सबसे छोटा NH 47A निर्मित है जिसकी लंबाई मात्र 6 किलोमीटर है। तो वेलिंगटन द्वीप जो है कर्नाटक में नहीं है बल्कि वेलिंगटन द्वीप जो है वो केरल में है, और केरल में भी कहां पर है तो केरल की बेमनाद झील में है, केरल की बेमनाद झील में है। तो यहां पर सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यहां पर राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 के लिए सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है प्रश्न नंबर 10 और प्रश्न नंबर 10,
सैंपेन जनजाति का संबंध किस राज्य से है? अभी कुछ दिन पहले ही जब आपकी प्रैक्टिस चल रही थी, उच्च स्कोर के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेशन चल रहा था, उसमें भी हम इसका जिक्र किए थे, बस वहां पर हम जरवा जनजाति पूछे थे। अब हिंट भी कर दिए हम, जरवा जनजाति, सैंपेन जनजाति, सेंटली जनजाति, ओंग जनजाति, ये सभी जनजातियां कहां पाई जाती हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं, अंडमान निकोबार की जनजातियां हैं। तो सैंपेन जनजाति जो है कहां पाई जाती है? सैंपेन जनजाति अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 10 के लिए सही आंसर क्या है? तो प्रश्न नंबर 10 के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 10 के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 10 के लिए सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10 के बाद देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है प्रश्न नंबर 11। ये भी हम एक बार करा चुके हैं, सोच समझ कर आंसर दीजिएगा। दाचीगाम राष्ट्रीय पार्क किस जीव जंतु के संरक्षण के लिए है? पिछली क्लासों में हमने ये कराया है कि दाचीगाम राष्ट्रीय पार्क जो है वो किस राज्य में है। यहां पर पूछ रहा है कि जो दाचीगाम राष्ट्रीय पार्क है यह किस जीव के संरक्षण से संबंधित है? हिरण के, लाल पांडा के, गैंडा के या हंगुल के, बताइएगा। प्रश्न नंबर 11 के लिए सही आंसर क्या होना चाहिए? प्रश्न नंबर 11 के लिए सही आंसर क्या होना चाहिए? तो दाचीगाम राष्ट्रीय पार्क जो है वो हंगुल के लिए प्रसिद्ध है, हंगुल के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। हंगुल क्या है? हंगुल एक प्रकार का कश्मीरी हिरण है। क्या है? कश्मीरी हिरण है जो यहाँ पर पाया जाता है दाचीगाम में। चाहे तो इसे आप कश्मीरी हिरण कहिएगा या इसी को स्टैग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं स्टैग। तो यहां पर प्रश्न नंबर 11 के लिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 11 के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रश्न नंबर 11 के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर, ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। प्रश्न नंबर 11 के बाद आपकी स्क्रीन पर है प्रश्न नंबर 12, और प्रश्न नंबर 12 के लिए आंसर कीजिएगा। निम्न में से कौन सा क्षेत्र वृष्टि छाया का उदाहरण है? वृष्टि छाया प्रदेश, रेन शैडो एरिया। वृष्टि छाया प्रदेश ऐसे क्षेत्रों को कहा जाता है जहां पर वर्षा ऋतु में वर्षा ना हो। ऐसे क्षेत्र जहां पर वर्षा ऋतु में वर्षा नहीं होती है तो ऐसे क्षेत्रों को वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। भारत में अगर वृष्टि क्षेत्रों की बात करें तो एक वृष्टि छाया प्रदेश तो कोरमंडल में है, मैसूर में है, विदर्भ में है। पूछ रहे हैं कौन सा वृष्टि छाया प्रदेश का उदाहरण नहीं है? मंगलौर तट। जितने भी तट हैं यहीं पर वृष्टि छाया प्रदेश बनते हैं अधिकांशतः। ये केरल है, केरल के मालाबार तट में तो वर्षा होती है, लेकिन इसके अपोजिट जो कोरोमंडल तट है तमिलनाडु का, यहां पर वर्षा नहीं होती है। यहां पर एक आपका क्षेत्र है कर्नाटक में, मंगलौर तट है। जब मानसून आता है कर्नाटक में तो कर्नाटक के बाबा बुदान पर्वतीय क्षेत्र से टकराता है और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में भयानक रूप से वर्षा करता है। तो मंगलौर तट में वर्षा होती है, अगर अर्थात जो मंगलौर तट है वो वृष्टि छाया प्रदेश का उदाहरण नहीं है, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर प्रश्न नंबर 12 के लिए सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 12 के बाद देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है प्रश्न नंबर 13। पक्षियों का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? पक्षियों का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? यूरोप को, एशिया को, उत्तर अमेरिका को या दक्षिण अमेरिका को? तो पक्षियों का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? पक्षी कहां पर अधिक मात्रा में पाए जाएंगे? पक्षी शाकाहारी होते हैं या फिर मांसाहारी भी हो सकते हैं। पक्षी जो होते हैं शाकाहारी होते हैं या मांसाहारी भी हो सकते हैं। तो पक्षी जो होते हैं वो पेड़ पौधों पर आश्रित रहते हैं, जहां पर अधिक मात्रा में पेड़ पौधे पाए जाएंगे। अमेजन के घने जंगल जिनको हम सेलवास के नाम से जानते हैं, यहां पर अधिक मात्रा में पशु पक्षी पाए जाते हैं, इसलिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को ही पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 13 के लिए सही आंसर क्या है? तो प्रश्न नंबर 13 के लिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दक्षिण अमेरिका। प्रश्न नंबर 13 के लिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दक्षिण अमेरिका। तो इसके लिए सही आंसर है डी, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। प्रश्न नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है प्रश्न नंबर 14। कौन सा बायोम इसी से संबंधित है? कौन सा बायोम सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम है? जैव विविधता का मतलब है जीव जंतुओं की संख्या या पेड़ पौधों की संख्या। ये बात मैंने आपको कई बार समझाई है, पेड़ पौधों पर ही जीव जंतु आश्रित रहते हैं। तो पेड़ पौधों पर आश्रित हैं कौन? पेड़ पौधों पर आश्रित रहते हैं कौन? जीव जंतु। तो जहां पर जीव जंतुओं की, जहां पर पेड़ पौधों की संख्या अधिक होगी
वहीं पर जीव जंतुओं की संख्या देखोगी और इनका जो भार होता है, इनका जो वेट होता है, उसी को हम जैव भार के नाम से जानते हैं। तो कौन सा बायोम सबसे कम, मतलब और कौन सा क्षेत्र है जहां पर सबसे कम पेड़ पौधे और साथ ही साथ सबसे कम जीव जंतु पाए जाएंगे? विषुवत रेखी, ये तो अमेजन नदी का क्षेत्र हो गया, 0 डिग्री अक्षांश हो गया, यहां पर तो तापमान सर्वाधिक रहता है, अधिक मात्रा में जैव भार रहेगा। सबसे सही आंसर है टैगा, 90 डिग्री के आसपास का क्षेत्र, टैगा टुंड्रा बायोम 90 डिग्री के आसपास के क्षेत्र हैं। और ये टैगा और टुंड्रा बायोम जो 90 डिग्री के आसपास के क्षेत्र हैं, कम तापमान होने के कारण वर्षा की मात्रा कम रहती है, जिस कारण से अपेक्षा वनस्पतियों का विकास भी कम होता है और साथ ही साथ क्या है, जीव जंतुओं की संख्या भी यहां पर कम पाई जाती है। तो प्रश्न नंबर 14 के लिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी, टैगा, टैगा जलवायु प्रदेश या टैगा बायोम। ठीक है, तो यहां पर सही आंसर होगा ऑप्शन डी, टैगा बायोम। ठीक, प्रश्न नंबर 14 के बाद देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है प्रश्न नंबर 15। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य कौन सा है? वह कौन सा राज्य है जहां पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं? अनुसूचित जनजाति वाला राज्य कौन सा है? बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर कौन सा है? मणिपुर। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जो राज्य है, उस राज्य का नाम क्या है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में ही गौंड जनजाति पाई जाती है, जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति का नाम गौंड जनजाति है, ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य है। ठीक ना, यहां पर जनजातियों की संख्या क्या है? सर्वाधिक पाई जा रही है। ठीक, अगला देखिएगा प्रश्न नंबर 15। देखिएगा अभी आप लोग लाइव नहीं है, रिकॉर्डिंग है, तो थोड़ा सा जल्दी चल रहे हैं, नहीं तो मुझे मालूम है 25 क्वेश्चन सॉल्व कराते कराते तो मुझे 40 से 45 लग जाता है। आप लोगों के कमेंट तो यहां पर दिख नहीं रहे, केवल मैं पढ़ाता चल रहा हूं कि हाँ आप लोग इसको देख रहे होंगे, रिकॉर्डिंग है इसलिए हो सकता है छोटा सा कम रहे, थोड़ा सा कम रहे। भारत में सबसे पहले वन नीति कब घोषित की गई? भारत की प्रथम वन नीति आपसे पूछी जा रही है। भारत में सबसे पहले वन नीति कब घोषित की गई? 1894 में, 1882 में, 1952 में, 1954 में। आजादी के बाद हमारी पहली वन नीति घोषित की गई, उसके बाद उसमें संशोधन किया गया 1988 में, और 1988 की जो वन नीति थी उसी में यह बात कही गई थी कि भारत के क्षेत्रफल के लगभग 33% क्षेत्रफल पर क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए, फॉरेस्ट होने चाहिए। तो यहां पर सही आंसर है ऑप्शन सी, यहां पर सही आंसर है ऑप्शन सी। भारत में सबसे पहले वन नीति कब घोषित की गई थी? तो भारत में सबसे पहले वन नीति 1952 में घोषित की गई थी, 1952 में भारत की पहली वन नीति घोषित की गई थी यहां पर। तो सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 16 के लिए ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइएगा प्रश्न नंबर 16 के बाद आपकी स्क्रीन पर है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में पूछ रहा है लद्दाख केंद्र शासित राज्य किस देश के साथ सीमा बनाता है? और कौन सा देश है इनमें से जिनके साथ लद्दाख केंद्र शासित राज्य सीमा बनाता है? अगर हम मानचित्र में लद्दाख की बात करते हैं, अगर हम मानचित्र में किसकी बात करते हैं लद्दाख की, तो यहां पर जम्मू कश्मीर है, यहां पर J&K है और यहां पर लद्दाख। लद्दाख की इस साइड आपका चीन है, इस साइड थोड़ी सी सीमा पाकिस्तान बनाता है, और यहां पर सीमा कौन बनाएगा? यहां पर सीमा बनाता है अफगानिस्तान। मैंने क्लासरूम में मानचित्र के माध्यम से कई बार आपको यह बताया है कि जो लद्दाख है वह भारत का एकमात्र ऐसा केंद्र शासित राज्य है जो तीन देशों के साथ सीमा बनाता है, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। जम्मू कश्मीर केवल पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य जो है वो केवल पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। तो यहां पर सही आंसर क्या है? सभी सही है। सही आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख केंद्र शासित राज्य किस देश के साथ सीमा बनाता है? तो प्रश्न नंबर 17 के लिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी सही है। पाकिस्तान के साथ भी बनाता है, अफगानिस्तान के साथ भी बनाता है और चीन के साथ भी बनाता है। सही आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो प्रश्न नंबर 17 के बाद देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है प्रश्न नंबर 18। कह रहा हुआ है मैदानी क्षेत्र जहां पर सामान्यतः नदियां विलुप्त हो जाती हैं, कोई भी पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र से मान लीजिएगा नदी निकल रही है और पर्वतीय क्षेत्रों के जो निचला भाग होता है, दक्षिण का भाग होता है, जब नदियां यहां पर आती हैं तो विलुप्त हो जाती हैं, इस वाले क्षेत्र को नाम दिया जाता है क्या? इस वाले क्षेत्र को नाम दिया जाता है भाबर। भाबर के क्षेत्र में विलुप्त हो जाती हैं और फिर से तराई के क्षेत्र में, तराई के क्षेत्र में धरातल पर आ जाती हैं, जिस कारण से ही तराई के क्षेत्र में जल भराव की समस्या उत्पन्न होती है।
जल भराव के साथ साथ तराई के क्षेत्र में बाढ़ आने की समस्या भी अधिक रहती है। तो अगर प्रश्न पूछता है कि कहां पर नदियां सामान्यतः विलुप्त हो जाती हैं, भावर में विलुप्त हो जाती हैं। अगर क्वेश्चन ने पूछता कि वह कौन सा क्षेत्र है जहां पर विलुप्त हुई नदियां धरातल पर पुनः प्रकट हो जाती हैं, तो वो आपका तराई का मैदान है। खादर और बांगर जलोढ़ मिट्टी के मैदानी क्षेत्र होते हैं। जो नवीन जलोढ़ मृदा होती है उसे खादर कहते हैं, जब ये खादर पुरानी हो जाती है तो इसी को बांगर कहा जाता है। यहां पर सही आंसर आपका ऑप्शन ए है, भावर प्रदेश या भावर का मैदानी क्षेत्र में सामान्यतः नदियां क्या हो जाती हैं, सामान्यतः नदियां इसमें विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 के बाद आपकी स्क्रीन पर है प्रश्न नंबर 19, और प्रश्न नंबर 19 के लिए आंसर कीजिएगा। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? चलिएगा प्रश्न नंबर 19 के लिए आंसर कीजिएगा जल्दी से। प्रश्न नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है और प्रश्न नंबर 19 के लिए आंसर करेंगे। चल तो राष्ट्रीय महत्व के जो भी स्मारक मतलब संस्थाएं हैं, इमारतें हमारी, स्थान है तथा वस्तुएं हैं, इनका जो संरक्षण किया जाता है, इनका संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो इनका संरक्षण जो किया जाएगा जिस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 राज्य को यह अधिकार देता है कि वह अपने स्थान, अपने राज्य के स्मारक, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण कर सकता है। अनुच्छेद 49 में बात की गई है, और इस प्रश्न नंबर 19 के लिए भी सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19। प्रश्न नंबर 19 के बाद आइएगा, आपकी स्क्रीन पर है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 कई बार क्वेश्चन करा हूं मैं। भारत और फ्रांस के सहयोग से एक अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का निर्माण किया गया है। अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है, जो ISA है, भारत और फ्रांस के सहयोग से इसका निर्माण किया गया है, और इसका मुख्यालय कहां पर है? पेरिस में है, स्टुटगार्ड में है, नई दिल्ली में है, या गुरुग्राम में है? बताइएगा। तो प्रश्न नंबर 20 के लिए सही आंसर क्या होना चाहिए? भारत और फ्रांस के सहयोग से अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन का मुख्यालय कहां पर है? तो इसका जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम में है। कहां पर है? तो इसका मुख्यालय आपका गुरुग्राम। तो प्रश्न नंबर 20 के लिए सही आंसर हो जाएगा डी, गुरुग्राम जो है इसी को पहले गुड़गांव कहते थे, और ये कहां पर है? तो ये हरियाणा में है। इसी को पहले गुड़गांव कहते थे और ये कहां पर है? तो यह हरियाणा में है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन डी है, गुरुग्राम या गुड़गांव, और ये कहां पर है? आपका हरियाणा में है। ठीक ना, तो सही आंसर ऑप्शन डी है। प्रश्न नंबर 21 आपके स्क्रीन पर है और इक्कीस के लिए आंसर कीजिएगा। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है, विषुवतीय वर्षा वन यानी विषुवत रेखा जो होती है हमारी, जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के आसपास का क्षेत्र 5 डिग्री उत्तर, 5 डिग्री दक्षिण का क्षेत्र जो है, यहां पर वर्षा अधिक होती है, इसी को क्या कहते हैं? विषुवतीय वर्षा वन कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 21 में कह रहा है, विषुवतीय वर्षा वनों को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? मतलब विषुवत रेखा के आसपास के जो वन है, इनको अन्य किस नाम से जाना जाता है? लानोस, कैंपस, ग्रांचाको या सलवास? तो देखिएगा, विषुवत रेखा के आसपास दो नदियां, तो पहली बात याद रखिएगा जहां पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है। एक नदी है जो विषुवत रेखा को दो बार काटती है, कांगो जायरे नदी, और एक है जो विषुवत रेखा के समांतर बहती है, अमेजन नदी। कौन सी नदी है? अमेजन नदी है। तो अमेजन नदी जो है, अमेजन नदी विषुवत रेखा के समांतर बहती है। कहां बहती है? विषुवत रेखा के समांतर बहती है, और यहीं पर क्या है, विषुवत रेखा के समांतर बहने के कारण सघन वनस्पति पाई जाती है, और इनको विषुवत रेखीय वर्षा वन कहते हैं। और इनका दूसरा नाम आपसे पूछा जा रहा है, दूसरा नाम इनका सलवास है। सलवास के घने जंगल अमेजन नदी में जो सदाबहार विषुवत रेखीय सदाबहार वन पाए जा रहे हैं, उन्हें सलवास कहा जाता है। विश्व की सर्वाधिक ऑक्सीजन का यहां से उत्पादन होता है, और विश्व की सर्वाधिक ऑक्सीजन का उत्पादन होने के कारण ही सलवास घने जंगलों को या अमेजन के घने जंगलों को विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व का फेफड़ा इसको नाम दिया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सलवास। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सलवास। प्रश्न नंबर 21 है। प्रश्न नंबर 21 के बाद आपकी स्क्रीन पर है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 के लिए आंसर कीजिएगा, थालघाट, भोरघाट, पालघाट दर्रे अवस्थित है। थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा और पालघाट दर्रे कहां पर अवस्थित है? अगर हम थालघाट दर्रे की बात करें तो ये MH यानी महाराष्ट्र में है। भोरघाट दर्रे की बात करें, ये भी आपका MH में है। पालघाट की बात करें तो केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है। तो पूछ रहा है कि काराकोरम पर्वत श्रेणी में, काराकोरम पर्वत श्रेणी जम्मू कश्मीर में है, तमिलनाडु में, और केरल में, महाराष्ट्र में नहीं। विंध्याचल भी मध्य प्रदेश में है,
मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, हिमालय पर्वत श्रेणी, तो ऐसे ही आप समझ जाइएगा, हिमालय का विस्तार महाराष्ट्र और केरल कर्नाटक में नहीं है, तो बचा कौन, पश्चिमी घाट। बचता कौन है, तो बचता है पश्चिमी घाट, ये भारत है और यहाँ पर पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट में यहाँ पर एक है भोरघाट दर्रा, थालघाट दर्रा और यहाँ पर पालघाट और सेनकोट्टा दर्रा है। तो चार दर्रे हैं जिसमें से तीन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, थालघाट, भोरघाट, पालघाट और एक और है जो इसमें नहीं लिखा है, सेनकोट्टा। एक और दर्रा है जिसका नाम क्या है, सेनकोट्टा दर्रा। ये चारों दर्रे जो है वो पश्चिमी घाट पर स्थित है। कहां पर स्थित है, ये चारों दर्रे पश्चिमी घाट पर स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन डी। सही आंसर क्या है, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी प्रश्न नंबर 22 के लिए, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है, एक नदी है ब्राह्मणी, ब्राह्मणी नदी किसकी सहायक नदी है, ब्राह्मणी किसकी सहायक नदी है, एक नदी है ब्राह्मणी नदी और पूछ रहा है किसकी सहायक नदी है, यमुना की, सोन की, गंगा की या महानदी की। तो ब्राह्मणी नदी और ब्राह्मणी नदी के साथ साथ एक और याद रखिएगा वैतरणी, ब्राह्मणी के साथ साथ एक और याद रखिएगा वैतरणी। तो ब्राह्मणी और वैतरणी नदी जो है वो किस नदी की सहायक नदी है, वो सहायक है महानदी की। किस नदी की सहायक है, महानदी। और महानदी अपना डेल्टा कहां बनाती है, अरब सागर में बनाती है, सॉरी बंगाल की खाड़ी में बनाती है, महानदी के डेल्टाई क्षेत्र में ही पारादीप बंदरगाह स्थित है। कौन सा बंदरगाह स्थित है, पारादीप बंदरगाह स्थित है। तो सही आंसर इसका भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ब्राह्मणी किसकी सहायक नदी है, ब्राह्मणी के साथ साथ एक और बताएं वैतरणी, तो ब्राह्मणी और वैतरणी महानदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 23 के बाद आपकी स्क्रीन पर है प्रश्न नंबर 24। आपसे पूछा जा रहा है वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, इस प्रश्न के लिए आंसर कीजिएगा, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो वायुसेना दिवस 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 8 अक्टूबर और 11 अक्टूबर आपके सामने ये ऑप्शन है। तो मैं बता देता हूं आपको, वायुसेना दिवस जो है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो वायुसेना दिवस मनाया जाता है आपका 5 अक्टूबर को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 अक्टूबर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 अक्टूबर। ठीक है, अंतिम प्रश्न है, मैं 25 ही प्रश्न लेकर आता हूं, लेकिन ये 25 प्रश्न वैसे तो मैं 45 मिनट में कराता था, लेकिन चूंकि आप मेरे सामने नहीं है, पब्लिक रिकॉर्डेड क्लास है, इसलिए जल्दी हो गया, 28-30 मिनट का ही वीडियो बन पाया है। भारत में मैनग्रोव वनस्पति, मैनग्रोव वनस्पति कच्छ वनस्पति, अनु वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछ रहा भारत में मैनग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप में पाई जाती है, भारत में वह कौन सा क्षेत्र है जहां पर अधिक मात्रा में मैनग्रोव वनस्पति या मैनग्रोव वन पाए जाते हैं। मालाबार तट, मालाबार तट कहां पर है, तो मालाबार तट आपका केरल में है। सुंदरवन, सुंदरवन डेल्टा आपका पश्चिम बंगाल में है। कच्छकरण, कच्छकरण जो आपका है गुजरात में है। और उड़ीसा का तट कह रहा है, मतलब उड़ीसा राज्य कह रहा है, चलिएगा। तो सही आंसर क्या होना चाहिए, सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन का नाम सुंदरवन क्यों पड़ा, क्योंकि यहां पर एक वनस्पति पाई जाती है, कच्छ वनस्पति या मैनग्रोव वनस्पति, जिसका नाम है सुंदरी नामक वृक्ष, और सुंदरी नामक वृक्ष के कारण ही सुंदरवन डेल्टा का नाम सुंदरवन हो गया। तो यहां पर राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, सुंदरवन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहां पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ठीक ना, आज का ये महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेशन था, रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से हमने आपकी तैयारी कराई, साथ ही साथ हमारे सभी साथी सदस्य भी आपको दिन प्रतिदिन प्रैक्टिस करा रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेशन इसी प्रकार अनवरत चलती रहेगी, छुट्टी के बाद यानी दिवाली के बाद ये प्रैक्टिस सेशन फिर आपकी लाइव कराई जाएगी, प्रैक्टिस सेशन ये लाइव कराई जाएगी। ठीक है, आज क्लास को यहीं रखते हैं, त्योहारों का सीजन चल रहा है, अच्छे से आप भी घर में एंजॉय कीजिएगा, हम भी अपने माता पिताजी के साथ एंजॉय कर रहे हैं त्योहार को, अच्छे से खुशियां मनाइएगा, अच्छे से दीपावली के पर्व को मनाइएगा, सुख समृद्धि आपके जीवन में आए, ऐसा हम माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं, गणेश जी से ऐसे प्रार्थना करते हैं, खूब आपके पास धन दौलत आए, यश कीर्ति वैभव आपको मिले, ऐसी पूरी शुभकामना देता हूं मैं आपको, ऐसी प्रार्थना करता है हमारा पूरा संस्थान टर्ब तालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट। ठीक है, आज क्लास को यहीं रखते हैं, जय हिंद, पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और त्योहारों को मनाते रहिएगा। थैंक यू।